कभी कुक्स मेरी मम्मी की टेस्ट डिश खून तो कभी कुक्स को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाया है शाही टुकड़ा इन डिफरेंट स्टाइल, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। और इसके लिए मैंने लिए 6 ब्रेड, जिनको मैंने सेंटर से ऐसे ग्लास से प्रेस करके सर्कल्स निकाल लिए हैं। और इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड के सर्कल्स निकालने हैं। ये मैंने वाइट ब्रेड यूज़ किए हुए हैं और ये देखिए कितना अच्छा सर्कल निकल आया है। ये जो पोर्शन बीच का खाली दिख रहा है, होल हो गया है, जो इससे भी मैंने एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई है जो मैं आपको आने वाले दिनों में पोस्ट करूंगी, प्लीज़ ज़रूर देखिए। अब ये देखिए सारे सर्कल्स कट हो गए हैं, तो इस तरीके से हम सारे सर्कल्स निकाल लेंगे। सारे ब्रेड सर्कल्स रेडी हैं। अब हम 3 चॉकलेट के पीसेस लेंगे। जो बच्चे नॉर्मल चॉकलेट खाते हैं, आप चाहें तो डेरी मिल्क या 5 स्टार कोई सा भी ले सकते हैं। और अब हमें इसे मेल्ट करना है। मैंने चाय बना रही हूँ मैं तो मैंने गैस की बचत करने के लिए उसी के ऊपर ये बाउल रख दिया चॉकलेट का, और ढक दिया था मैंने इसे करीब 5 मिनट के लिए। और उसके बाद ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच दूध डालूंगी ताकि ये और अच्छे से थोड़ा सा लिक्विड हो जाए। अभी ये काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो 1 चम्मच दूध डालने के बाद ये देखिए थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा चलाऊंगी, और आप चाहें तो एक बाउल में पानी गर्म करें, आधा ग्लास से कम, और उसमें ये चॉकलेट वाला बाउल रख दें, गैस की फ्लेम को बंद कर दें और 5 मिनट के लिए ढक दें। उसके बाद फिर आप जब चॉकलेट को हिलाएंगे इस तरीके से, तो वो भी ऐसे ही मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए कितना अच्छा चॉकलेट सिरप रेडी हो गया है। आप भी उसमें 1 चम्मच दूध जरूर डाल दें। इसी तरीके से हम चॉकलेट सिरप रेडी कर लेंगे। और ये मैंने गैस को ऑन करके तवे को रख के उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया है और गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो कर दी है। और जो हमारे ब्रेड के सर्कल्स थे, अब मैं उनको तवे के ऊपर फैला रही हूँ। 2 मिनट तक हमें इन्हें ब्राउन होने तक सेकना है नीचे से, तो सेकने देते हैं इन्हें और ये सिक गए हैं। और अब मैं इन्हें पलट दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। और इस तरीके से हम फिर से इन्हें 2 मिनट तक स्लो आंच पे फिर से सेकेंगे और गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए आप कितने अच्छे से दोनों तरफ से ब्राउन हो गए हैं। हमें इतना ही इनको ब्राउन करना है, थोड़ा सा क्रिस्प करना है बस। और इस तरीके से हम इन्हें निकाल लेंगे। अब सारे ब्रेड अच्छे से सिक गए हैं और मैंने इन्हें निकाल दिया है। टुकड़े को और भी ज़्यादा शाही बनाने के लिए मैंने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और ये मैंने पिसी हुई शक्कर लिए 2 चम्मच, और ये 3 चम्मच मैंने लिए है मलाई, और 3 चम्मच मैंने लिया है खोपरा पाउडर, और 1 चम्मच मैंने ली है पिसी हुई इलायची पाउडर। और अब इस जो मलाई है हमारी 2 चम्मच, इसके अंदर मैं पिसी हुई शक्कर डालूंगी और खोपरा पाउडर डालूंगी, और इनको हमें अच्छे से मिक्स करना है। मैंने शाही टुकड़ा बनाने के लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, कोई चाशनी नहीं, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल आसानी से बनाने वाला शाही टुकड़ा मैंने बनाया है ये। और अब हम इसमें ये इलायची पाउडर भी डाल देंगे और अच्छे से इसको फाइनली मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगती है, बच्चे देख के एकदम ललचा जाएंगे और बहुत खुशी से खाएंगे, तो ज़रूर ट्राई करिए आप इसको। और इस तरीके से सारा मिक्सचर हम रेडी कर लेंगे और फिर जो हमारे ब्रेड सर्कल्स हैं जो तवे पे सेक लिए थे हमने, उनके ऊपर हम इनको फैलाएंगे। तो इस तरीके से एक एक सर्कल पे मैं इस तरीके से जैसे हम बटर स्प्रेड करते हैं उस टाइप से हमें इसको फैलाना है। थोड़ा सा थिक लीजिएगा आप, जो हमारा मलाई का जो मिक्सचर है उसको थोड़ा थिकली हम ब्रेड के ऊपर, ब्रेड सर्कल्स के ऊपर स्प्रेड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे हमें सर्कल्स के ऊपर स्प्रेड करना है। और ये देखिए सारे सर्कल्स के ऊपर मैंने मलाई खोपरा का जो हमारा मिक्सचर था वो मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, लगा दिया है सबके ऊपर। और अब हम इनके ऊपर रखेंगे एक एक किशमिश और सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, इनकी आप कैसे भी करके डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने अपने तरीके से इसको इस टाइप से डेकोरेट किया है, आप अगर और भी अच्छा डेकोरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बच्चे पक्का इसको देख के ललचाएंगे और बहुत खुशी से खाएंगे, तो डिपेंड करता है हमारी डेकोरेशन कितनी सुंदर है। खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब है, आप ज़रूर ट्राई करिए। और अब हम बादाम लगा देंगे इसके ऊपर। सारे ही जो हमारे सर्कल्स हैं इस तरीके से हमें रेडी करने हैं, आप देख सकते हैं ऐसे, देखिए देखिए माउथ वाटरिंग, ये देखिए सारे सर्कल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब है टाइम चॉकलेट सिरप का, तो ये देखिए चॉकलेट सिरप को हम इस तरीके से स्पून से ऐसे हम करते हुए इसको डालेंगे, चॉकलेट सिरप को लाइंस बनाएंगे इसके ऊपर। बहुत ही यम्मी, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, और बच्चे देखेंगे तो बहुत खुशी से खाने वाले हैं इसको, आई एम श्योर। तो इस टाइप से आप भी डेकोरेट करिए ब्रेड सर्कल्स को, शाही टुकड़े को।
ये मैंने अपनी ही ट्रिक से बनाया है, आप चाहें तो कोई और नाम भी दे सकते हैं इसको। और सारे ब्रेड सर्कल्स को हम इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इसी तरीके से रेडी करेंगे। तो ये हमारा तैयार है शाही टुकड़ा, खाएं, खिलाएं, खुश हो जाएं, खुश रहें और कबीर कुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।